और लखीमपुर की हमारी कवरेज लगातार जारी है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त तस्वीर आपको दिखाते हैं, यहाँ पुलिस लाइन में हम मौजूद हैं और ये जो कमरा आप इस वक्त देख रहे हैं जहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, इसके भीतर ही आशीष मिश्र से लगातार पूछताछ की जा रही है। 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और लगातार अभी भी ये पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से ये बड़ी खबर है जहाँ पर न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक 6 सदस्यीय एसआईटी टीम भीतर बैठकर पूछताछ कर रही है लगातार आशीष मिश्र से। दूसरी नोटिस के बाद वो यहाँ पर पहुंचे हैं जिसमें ये कहा गया था कि 11 बजे उन्हें यहाँ पुलिस लाइन में पेश होना है और बयान देने हैं, ना केवल मौखिक बल्कि लिखित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी, और अंदर वीडियोग्राफी भी की जा रही है पूरी पूछताछ की। और कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ठीक ढंग से नहीं दे पा रहे हैं आशीष मिश्र। हालांकि इससे पहले उनकी तरफ से कई दावे किए गए थे मीडिया के सामने, जब भी वो बात करते थे तो यही कहते थे कि घटना स्थल पर वो मौजूद नहीं थे। हालांकि जो किसान पक्ष है उसकी ओर से यह कहा जा रहा था कि वो जो 3 गाड़ियां थी उसमें वो भी मौजूद थे आशीष मिश्र। अब इस बात को किस तरीके से वो साबित करेंगे पुलिस के सामने, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उनका जो मोबाइल फोन है वो भी फिलहाल पुलिस ने ले लिया है, और साथ साथ आशीष मिश्र ने खुद अपनी तरफ से 2 मोबाइल फोन जिनके जरिए वहां पर घटनास्थल पर ही वीडियो बनाया गया था वो सौंपे हैं पुलिस को। और अब आगे जिस तरीके से ये पूछताछ हो रही है, क्या कुछ इसमें खुलासा नया हो सकता है, ये देखने वाली बात है। अंकित दास अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसकी वो गाड़ी बताई जा रही थी, जिसकी फॉर्च्यूनर बताई जा रही थी, वो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। और उसको साथ साथ सुमित जायसवाल जो उस गाड़ी के भीतर मौजूद थे, और इससे पहले न्यूज 18 ने जब उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि पहले किसानों ने हमला किया था, उसके बाद वो खुद की जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं और अभी वो भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। तो अब इसके बाद शिकंजा किस पर कसेगा? अंकित दास है, सुमित जायसवाल है, इनको किस तरीके से पुलिस पकड़ेगी, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने खड़ी है। 6 सदस्यों की एसआईटी टीम है और 9 सदस्यों की पर्यवेक्षण समिति है जहां लगातार पूछताछ की जा रही है। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में आईपीएस सुनील कुमार सिंह, लखीमपुर एडिशनल एसपी अरुण सिंह समेत 3 सीओ आशीष मिश्र से पूछताछ कर रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि आशीष मिश्र अपने साथ कुछ सबूत भी लेकर आए हैं, यानी लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन उस बीच लखीमपुर घटना के बाद पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 इंडिया को, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष यहां आकर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहा है और सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है, और साथ साथ उन्होंने कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और उचित जांच यहां की जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और क्या कुछ कहा था उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से, सुनिए। पिछले कुछ दिनों में एक विवाद भी बहुत ज्यादा मीडिया में भी छाया रहा और उससे भारतीय जनता पार्टी पर भी बहुत सवाल खड़े हुए, आपकी सरकार पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। मैं लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई, एक एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ, उसके संदर्भ में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप उस विषय पर? देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना है, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सरकार उसकी तह पर जा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं, जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हां, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हां, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों ना हो। और यह सरकार का संकल्प है, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया। जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले, वह व्यक्ति कोई भी रहा हो, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं की। वह भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक, या किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है। और लखीमपुर खीरी की घटना में भी
यही सरकार कर रही है और यही कर की भी है। तो सुना आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को लखीमपुर घटना को लेकर उन्होंने कहा कि उचित जांच की जा रही है और दूध का दूध पानी का पानी जल्द हो जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अजीत लगातार मेरे साथ मेरे सहयोगी यहाँ पर मौजूद है। अजीत देखिए यहाँ पर जो कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो शायद कर भी दिखा दिया। देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी हो किसी मंत्री का बेटा हो विधायक हो सांसद हो अगर उसके खिलाफ साक्ष्य और सबूत है तो हम कार्रवाई करेंगे किसी को छोड़ेंगे नहीं कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं। 3.5 घंटे हो चुके हैं आशीष मिश्रा से पूछताछ अभी भी जारी है। जो एसआईटी के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह वो यहां से निकले और कहा जा रहा है कि वो सीजीएम के घर गए क्योंकि आज सैटरडे का दिन है तो 4 बजे के बाद स्पेशल कोर्ट बैठती है तो वहां वो समझने बूझने के लिए पहुंचे। हालांकि अंदर जो 5 सदस्यीय एसआईटी चूंकि वो बाहर है इसके अलावा 9 सदस्यीय पर्यवेक्षण समिति डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल वो मौजूद है अवधेश सिंह जो उनके अधिवक्ता और उनके साथ 1 लोग और यानी 3 लोग आशीष मिश्रा के समेत 3 लोग उनकी तरफ से मौजूद है। बाकी एसआईटी टीम उनसे सवाल कर रही है अभी वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए हैं कि घटना के वक्त कहां गए थे। एक बात और अपडेट आई है कि जो उनके पेट्रोल पंप पर जहां दंगल हो रहा था सिवानी वहां पर जो सीसीटीवी लगे थे उसको उन्होंने 18 भागों में करके एसआईटी को सौंपा है कि उस वक्त ये मौजूद थे लेकिन चूंकि घटना 3 अक्टूबर को 3 बजे हुई थी तो अब ये पूरा जो साक्ष्य है कि क्या 3 बजे का भी उस सीसीटीवी में फुटेज इन्होंने दिया है कि नहीं दिया क्या उस 3 बजे की रिकॉर्डिंग में आशीष मिश्रा मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी देने बाकी हैं। जी बिल्कुल और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने में लगी हुई है लगातार पुलिस। हालांकि 4 वीडियोज ऐसे सौंपे गए हैं खुद आशीष मिश्रा की ओर से और साथ साथ उन्होंने कई ऐसे दस्तावेज भी सौंपे हैं सबूत के तौर पर। अब देखना होगा किस तरीके से वो सवालों का जवाब देते हैं लेकिन यहाँ पर खबर ये भी है कि सवालों में अटक रहे हैं ठीक ढंग से वो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं आशीष मिश्र। तस्वीरें एक बार फिर से हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएं। देखिए ये वही कक्ष है जहाँ पर लगातार उनसे 3.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले कल भी उनके घर में नोटिस चस्पा कर दिया गया था अजय मिश्र के घर के बाहर और ये कहा जा रहा था उस नोटिस में ये लिखा गया था कि 11 बजे पुलिस लाइन में उनको हाजिर होना है किसी भी तरीके से और सवालों का जवाब देना है अपने बयान दर्ज करवाने हैं। और जो वीडियोस की वो पहले बात कर रहे थे कि घटनास्थल पर वो मौजूद नहीं थे उसके कई साक्ष्य उनके पास थे उनको लेकर भी उनको यहाँ पहुँचना था और आज अपनी तरफ से भी उन्होंने कई साक्ष्य पेश किए हैं और यहाँ भीतर लगातार उनसे एसआईटी की जो 6 सदस्यीय टीम है और पर्यवेक्षण कमेटी जो बनाई गई है 9 सदस्यों की वो टीम पूछताछ लगातार कर रही है लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जहां पर लगातार अटकते हुए भी दिख रहे हैं। आशीष मिश्र से ये भी पूछा गया कि इन 2 दिन में आखिर वो कहां थे क्योंकि जब पहला नोटिस उनके घर के बाहर चस्पा किया गया था तो उम्मीद की जा रही थी कि शुक्रवार तक वो यहां पहुंच जाए लेकिन जब वो नहीं पहुंचे उसके बाद उनके घर के बाहर 2रा नोटिस चस्पा किया गया जिसमें आज उनको बुलाया गया था 11 बजे हालांकि 10:30 बजे के आसपास वो यहां पहुंचे पेश हुए और अब भी लगातार उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। अजीत लगातार मेरे साथ मौजूद है। अजीत देखिए अब कितनी लंबी पूछताछ हो सकती है और कितनी चुनौतियां बन सकती है आगे।